जी नमस्कार, मेरा नाम कुंदन कुमार शुक्ला है। मैं फिल्म राइटर था और फिल्म सनम से मैं एज ए डायरेक्टर आ रहा हूँ। मेरी फिल्म सनम की सेकंड शेड्यूल भी कंप्लीट हो गई है और आज से पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो गया है PNP स्टूडियो गोरेगांव में, नकुल जी के स्टूडियो में। देखिए, पिक्चर तो हर कोई अपना अलग स्टाइल में बनाता है, हर डायरेक्टर की अलग कहानी होती है, तो मेरी भी कहानी भी कुछ अलग है। मेरी पिक्चर का टाइटल ही है सनम, तो सनम टाइटल रखते ही आदमी के जहन में आता है कि रोमांटिक पिक्चर होगी, एक सनम की कहानी होगी। तो मैंने एक प्यारी सी लव स्टोरी गांव से उठाई है, एक लड़के और एक लड़की की प्यार की कहानी है सनम, कि लोग कैसे प्यार करते हैं, कैसे जुदा होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे मरते हैं, उसकी कहानी मैं सनम में पर्दे पर लेके आ रहा हूँ। इसमें स्टार कास्ट में तो दीपक पटेल हैं, जो एक नवोदित कलाकार हैं, जो गया के रहने वाले हैं। एक्ट्रेस में मैंने पूनम दुबे को साइन किया था, जो हमारे साथ चार फिल्मों में काम किया है, जोड़ी नंबर वन है, मोहब्बतें पंडित जी, अनेकों अच्छे कलाकार हैं वो। विलन में मैंने उमेश सिंह को साइन किया है, जो एक अच्छे उम्दा कलाकार हैं, जो पूरी मीडिया जानती है, पूरे दर्शक जानते हैं। लोटा हैं इसमें, रत्नेश बर्नवाल हैं। बाकी जो हीरो को छोड़ के देखा जाए तो हमारी फिल्म में सब मार्केट के कलाकार हैं। संगीत की बात की जाए तो संगीत इस फिल्म का ही जान है, क्योंकि सनम का संगीत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनुज तिवारी। दर्शकों से कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पिक्चर का जो पहला पोस्टर है, मैंने उस पोस्टर पर भी लिखवा दिया कि सच्चा मोहब्बत करने वाले कृपया इस फिल्म को ना देखें, तो इसकी कहानी है। क्योंकि जब सिनेमा हॉल में जब पिक्चर लगेगी और जब पब्लिक देखेगी, तो उसको ये जहन होगा कि ये मेरी कहानी है, मेरे साथ भी ऐसे घटित हुई है। तो दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस पिक्चर को देखें और वो अपने बचपन, अपने प्यार और अपने दिल की बात, जो किसी को मोहब्बत मिला, किसी को मोहब्बत नहीं मिला, वो सब चीज़ उनको देखने को मिलेगी और पुरानी यादें उनको ताज़ा होगी। ये हमारे उमा शंकर जायसवाल जी हैं, जो सनम पिक्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। तो मैं इनसे मीडिया से रूबरू कराऊंगा कि दर्शकों के बारे में कुछ बोलें। मेरा नाम हम सब बोलिए जी। ये मेरी पहली प्रोडक्ट की हुई पिक्चर है और अभी हमारे कुंदन भाई जी हैं, मैं सनम जो है, अभी इनकी पिक्चर जो है ये पूरी कंप्लीट हो गई है और काम जो है कलाकारों ने, जितने कलाकार हैं सब कलाकारों ने काम बढ़िया किया है। मैं भी शूटिंग में मौजूद था, देखा थोड़ा काम, देखा इन लोगों का, मुझे भी बहुत पसंद आया, उम्मीद है दर्शकों को भी पसंद आएगी। मैं इस पिक्चर के सिर्फ नाम को देखा सनम और मेरे दिल को ये जो है छू गई। सब रियलिटी है, इसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं है, जितने भी सीन हैं, जितने भी वो हैं, सब रियलिटी हैं और वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। और उम्मीद करते हैं, कुंदन जी ने बहुत मेहनत किया है इसमें, इनकी भी ये पहली है और मेरे भी ये पहली पिक्चर है। दीपक पटेल जी एक अच्छे इंसान हैं, उनकी ये हीरो की ये पहली पिक्चर है और वो डायरेक्ट भी कर रहे थे पहली पिक्चर। वो उनसे मैं मिला दीपक जी से, उनका काम और स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला भाई साहब हम दोनों मिल के पिक्चर को कम्प्लीट करते हैं, मैं उनका पूरा सहयोग दिया, कुंदन जी का अच्छा सहयोग मिला और उम्मीद है उनकी भी पहली थी पिक्चर और ये हम लोग की भी पहली वो है, तो सोचे कि क्यों ना सब लोग पहले हैं, अच्छा काम किया जाए, आप लोग को पसंद आए, इसलिए जी जान से मेहनत किया गया है, आप देखिए आपको पसंद आएगी। अभी तो अच्छा रहा, अब आगे आप लोगों का अगर आशीर्वाद होगा तो और काम किया जाएगा। मैं विजय शंकर गुप्ता कलकत्ता से हूँ। सनम पिक्चर जो है हमारे दोस्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, उमा शंकर जायसवाल जी उनके हमके साथ हैं और इसके डायरेक्टर कुंदन शुक्ला जी, और हम चाहते हैं कि पिक्चर दर्शक लोग देखें, इसको पसंद करें। ये पिक्चर जो है सामाजिक पिक्चर है, बहुत अच्छा पिक्चर है, ये प्यार करने वाले के ऊपर पिक्चर बनाया गया है, इसीलिए हमने कलकत्ता से यहाँ आए इसको देखने के लिए। कुंदन शुक्ला जी बहुत अच्छे आदमी है, उम्र तो ज़रूर इनका कम है, कि तजुर्बा इनके पास बहुत ज़्यादा है, हम लोग इनके साथ पहली बार जुड़े हैं, लेकिन भविष्य में चाहे कि इनसे हम लोग जुड़े रहें। प्लैनेट भोजपुरी।